फतेहपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के तहत बाढ़ग्रस्त गांव परसेठा दबसौरा गंगौली का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उनको गेहूं चावल आलू आदि खाद्य राहत सामग्री का वितरण किया। उन्होंने बाढ़ की समस्या से प्रभावित घरों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बताया कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में बारिश और बांध का पानी छोड़े जाने के कारण फतेहपुर में आकस्मिक बाढ़ आई। सरकार द्वारा राहत सामग्री के वितरण के साथ फसल में हुए नुकसान का सर्वे कराकर बाढ़ पीड़ितों की मदद की जाएगी। उन्होंने किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाने का आग्रह किया ताकि दैवीय आपदा में नुकसान का मुआवजा आसानी से मिल सके। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बारिश होने के कारण ये आकस्मिक बाढ़ आई जिससे बांधों से पानी छोड़ा गया। जब बाढ़ आई उस टाइम मैं यहाँ थी नहीं, मैं लगातार संपर्क में थी भोजन वगैरह की व्यवस्था में कि भोजन सबको समय से मिलता रहे। कल ही रात में लौटी हूँ तो आज मैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर हूँ। आज इधर जहानाबाद विधानसभा में हूँ, कल जाऊंगी आया सहाय और खागा। ये भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार है, उस बार भी इस बार भी फसलों का भी आकलन किया जाएगा, जिनका जितना नुकसान हुआ उसको भी दिया जाएगा। बाढ़ से जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए शासन प्रशासन दोनों लगे हैं, उनका सर्वे भी हो रहा है, गाँव गाँव घर घर जा करके माननीय केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी भी आज उनके लिए दैवीय आपदा में उनको राहत सामग्री बांटी जा रही है। तो सरकार की जो मंशा है किसी के ऊपर कोई अगर ऐसी दैवीय आपदा आती है तो उनको राहत सामग्री दी जाएगी। यहाँ राहत कार्य में हमको दोनों टाइम सब्जी पूरी मिलती रही स्कूल में गवर्नमेंट की तरफ से। आज वो साध्वी जी हमें ये राशन बंटवा रही हैं खाने के लिए। मिट्टी में बहुत जुंडी है, बाजरा है, मिर्च लगी है, अरहर थी, ये सब डूब गया है। आज ये लैया मिली है, आलू मिला है, गेहूँ है, चावल है।